हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं, जो ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ लाया हूं, जो हमारे टावर वैगन हाइड्रोलिक टैंक के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। टावर वैगन के हाइड्रोलिक टैंक कहाँ पर हैं और इसमें कितना हाइड्रोलिक ऑयल भरा जाता है, ये सब, और इसका प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए टावर वैगन के हाइड्रोलिक का प्रेशर, इंजन वन का कितना प्रेशर रहना चाहिए। चलिए मैं इस वीडियो में देखिए, ये देखिए इंजन वन और इंजन टू का हाइड्रोलिक प्रेशर गेज है, ये हमारा 90 और 100 के बीच में रहना चाहिए, जो हम आपको यहाँ से इंडिकेट करके मैं दिखा रहा हूँ। इंजन वन इंजन टू का बारी बारी से देख लिए। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए ये हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर है, इस फिल्टर ये सेंसर है, इस फिल्टर का दाम 18,000 के लमसम है। ये हमारा हाइड्रोलिक टैंक है, ये जो देख रहे हैं, ये टैंक के ऊपर एक स्टील का ढक्कन है जो आपको देख रहे हैं। देखिए ये टैंक का ढक्कन है, हाइड्रोलिक टैंक का। इसके अंदर आप हाइड्रोलिक ऑयल डाल सकते हैं और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा लेवल गेज है, हाइड्रोलिक ऑयल का गेज, वो जो पीला कलर का है, वो आप उसमें देख सकते हैं कि हमारा हाइड्रोलिक ऑयल कितना है इस टैंक में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए इसमें दो फिल्टर है। देखिए ये हमारा एयर क्लीनर है, जो हमें 6 महीना में एक बार इसको साफ़ करना है। और कैसे साफ़ करना है, तो इसको खोल करके, देखिए ये नट है, इसको खोल करके आप बाहर निकाल करके इसको, फिल्टर को, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है, छोटा वाला को नहीं साफ़ करना, बड़ा वाला को साफ़ करवाना है। और ये बाइक के दुकान पे जाकर, और यह प्रेशर से, एयर प्रेशर से इसको हवा को से मारने के बाद सारी गंदगी निकल जाएगी, उसके बाद फिर इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा